दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम लेकर आए हैं एक लेख। इस लेख का शीर्षक है बज्जुर है छाती किसान की। ये लेख बज्जुर है छाती किसान की किताब से लिया गया है और इस किताब को लिखा है श्री चंद्र जैन ने। इस किताब में संकलित लेख गांव पर केंद्रित हैं। लेखों को पढ़ने से आपको लेखक की पक्षधरता का अंदाजा लग जाएगा। इस किताब में संकलित लेख अखबार में प्रकाशित लेखों का संकलन है। तो आइए सुनते हैं लेख बज्जुर है छाती किसान की। जीवन के संघर्षों को साहसी बनकर सहन करने वाले किसान की छाती वज्र की बनी हुई है। उसकी सहन शक्ति अपरिमित है। उसने सब कुछ सहा लेकिन अपनी आत्मा को न बेचा। युग युग के शासकों ने उसे सताया, उसकी आय को छीना और उसके कांपते हुए अस्तित्व को दबाया, लेकिन वाह रे तपस्वी किसान, तेरी साधना भगवान शंकर के ही समान है। तूने उसे ही अपनाया जिसने तुझे मिटाने का प्रयत्न किया। तू स्वयं भूखा रहा लेकिन दूसरों का स्वागत तूने मोहन भोग से किया। आज भी तू परोपकार में रत है। जेठ और बैसाख की बरसती हुई आग में तू कब चैन से बैठता है। जब मानव हतोत्साह होता है तब तू ही उसे अपने बहते हुए पसीने की बूंदों से धैर्य बंधाता है। घनघोर वर्षा में जब बिजली चमकती है और आसमान मौन हो जाता है तब तू नंगे पैरों से खेतों में फिरता है और अपनी धरती माता की सेवा में अपना सब कुछ अर्पित कर देता है। तो इसीलिए ही तो लंगोटी बांधता है कि जिससे संसार वस्त्रहीन न रह सके। तो इसीलिए सतुआ चाटता है कि जिससे यह दुनिया मोहन भोग खाए। तो स्वयं झोपड़ी में रहता है और दूसरों के लिए महल बनाता है। तो अपने शरीर को सुखा कर और हड्डियों को झुका कर सदैव से संसार के अस्तित्व को बचा रहा है। धन्य है तेरी सेवा और धन्य है तेरी कामना। तेरे त्याग और बलिदान से प्रसन्न होकर पूज्य बापू ने कहा था कि हमारे स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति किसान ही बनेगा। ये पृथ्वी के प्यारे पुत्र किसान, तू अजर और अमर है। तू ही अन्नदाता है और तू ही हमारा सच्चा देवता है। तेरे पैरों में युग की शक्ति है और तेरे हाथों में विश्व की महानता छिपी हुई है। तू ही हिंदुस्तान है और तू ही हमारे देश की आन बान है। गांधी जी ने जो कुछ कहा उसको आपने सुना। अब एक कवि किसान के बारे में क्या सोचता है मैं आपको सुनाता हूँ। दलिया के एक लोक कवि थे श्री वजीर ने किसान के शान में कुछ लिखा है। सबसे बज्जुर है छाती किसान की। सबसे बज्जुर है छाती किसान की, खबर नहीं रहे जान की। सबसे बज्जुर है छाती किसान की। ठनको काश्तकार को सीना, ठनको काश्तकार को सीना, जब से लागो जेठ महीना। ठनको काश्तकार को सीना, जब से लागो जेठ महीना। टपके एड़ी तलक पसीना, टपके एड़ी तलक पसीना। खाद कूरे में भूली शुद्ध प्राण की, खाद कूरे में भूली शुद्ध प्राण की। सबसे बज्जुर है छाती किसान की। गाड़ी भर भर के ले जावे, गाड़ी भर भर के ले जावे, चाहे लपट भले लग जावे। ठंडी चीज कभी नहीं खावे, ठंडी चीज कभी नहीं खावे। जो हिम्मत तो देखो बलवान की, जो हिम्मत तो देखो बलवान की। सबसे बज्जुर है छाती किसान की। करके बैला की जब सानी, करके बैला की जब सानी, रोटी लय ठाणी सवरानी, रोटी लय ठाणी सवरानी। ठड़ो चपिया में भर पानी, ठड़ो चपिया में भर पानी। सूखी रोटी पे जिंदगानी किसान की। सबसे बज्जुर है छाती किसान की। सबसे बज्जुर है छाती किसान की। दोस्तों कविता ये समझने में मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कविताएं इस तरह के हमारे दिल के साथ उतर जाती हैं। भाषा हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और किताबी दुनिया की इस मुहिम से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को और इस श्रृंखला को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें
और लोगों को किसानों के बारे में बताएं कि किसान हमारे लिए कितने जरूरी हैं। धन्यवाद।